हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनबी ओपिनियम का 10.11 नंबर प्रॉब्लम का सलूशन करने जा रहे हैं। सिग्नल सिस्टम का एलएनबी ओपिनियम टेक्स्ट बुक का 10.11 नंबर का ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। एक्स जेड का एक्स जेड गिवन है 1/1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024 माइनस जेड टू दी पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे तो देख के ही लग रहा है कि जेड टू दी पावर माइनस 10 है ना। जेड का अगर बड़ा पावर हो 4, 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 तो निश्चित सी बात है कि इसमें लॉन्ग डिविजन मेथड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का अप्लाई होगा। तो इसमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिनोमिनेटर को से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। अगर राइट साइडेड सीक्वेंस है तो जेड के डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं। अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस लाना है तो जेड के इंक्रीजिंग पावर में लिखते हैं। इसको थोड़ा सा कर दें, 1024 से डिवाइड कर दें तो 1024 डिवाइड बाई 1024 1 हो जाएगा माइनस 1024 जेड टू दी पावर माइनस 10 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स से डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1024 जेड टू दी पावर माइनस 10 इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिक्रीजिंग पावर में जेड के डिक्रीजिंग पावर में ले लिए क्योंकि मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो ले रखा है। हमें राइट साइडेड सीक्वेंस लाना है। ग्रेटर देन जीरो इसलिए ले रखा है कि यहाँ पे पोल नहीं होगा। दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का टर्म है जेड इक्वल टू 1/2 पे पोल है, लेकिन जेड इक्वल टू 1/2 पे पोल भी आएगा, जेड इक्वल टू 1/2 पे जीरो भी आएगा। तो जेड इक्वल टू 1/2 का पोल जेड इक्वल टू 1/2 वाले जीरो से वैनिश्ड हो जाएगा, एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देगा। ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ तो कोई पोल नहीं, इसलिए आरओसी को लिखा है मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंटायर जेड प्लेन है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू जीरो को छोड़ के आरओसी में हम इन सब बातों को डिस्कस कर चुके हैं। तो कितनी बार का लगाएंगे डिवाइड करने समय? तो ए भी वन है, ए भी वन है ना, का डिवीजन करें। आप देख रहे हैं मैथोसिग्रु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। परिचय हमारा और आपका पहले से हो रखा है, बस हम सॉल्यूशन पे आते हैं। वन टाइम से लगाएंगे, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1/2 जेड इनवर्स, साइन चेंज होगा माइनस प्लस, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया 1/2 जेड इनवर्स माइनस 1/1024 जेड टू पावर माइनस 10। 1 से डिवाइड करेंगे 1/2 जेड इनवर्स को तो 1/2 जेड इनवर्स ही आएगा, मतलब हमें अगला जो लगाना है वो 1/2 जेड इनवर्स टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके लिखनी है वैल्यू। 1/2 जेड इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 जेड इनवर्स, 1/2 जेड इनवर्स माइनस 1/2 जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 जेड इनवर्स इंटू जेड इनवर्स जेड टू डी पावर माइनस 2, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये हो गया 1/4 जेड टू डी पावर माइनस 2 माइनस 1/1024 जेड टू डी पावर माइनस 10। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अगला लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो 1/4 जेड टू डी पावर माइनस 2 टाइम्स आएगा, 1/4 × 1/4 × 1/2 1/8 माइनस 1/8 जेड टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/8 जेड टू पावर माइनस 3 इस पर ऊपर लिख रहा हूं मैं, 1/8 जेड टू पावर माइनस 3 माइनस 1/1024 जेड टू पावर माइनस 10। कितनी मार्क लगेगा? तो 1/8 जेड टू पावर माइनस 3 मार्क लगेगा। 1/8 जेड टू पावर माइनस 3 को 1 - 1/2 जेड इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 × 1 1/8 जेड टू पावर माइनस 3, 1/8 × 1/2 1/16 हो जाएगा,
जेड टू दी पावर माइनस फोर, ऐसे ही चलता जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 16 जेड टू दी पावर माइनस फोर माइनस 1 अपॉन 1024, और फिर अगला लगेगा 1 अपॉन 16 जेड टू दी पावर माइनस फोर टाइम्स से 1 बाई 16 जेड टू दी पावर माइनस फोर माइनस 1 बाई 13 जेड टू दी पावर माइनस फाइव, 1 बाई 32 जेड टू दी पावर माइनस फाइव होगा। ये करते करते लास्ट में 1 बाई 32 जेड टू दी पावर माइनस फाइव टाइम्स से लगेगा, 64 हो जाएगा जेड टू दी पावर माइनस सिक्स, लास्ट में जेड टू दी पावर माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। वन जीरो टू फोर जेड टू दी पावर माइनस 10, अगला जो लगेगा मिटा देता हूं, कोई नहीं समझ जाएगा, 1 बाई 64 जेड टू दी पावर माइनस सिक्स टाइम्स से लगेगा, 1 बाई 64 जेड टू दी पावर माइनस सिक्स मार्क लगाएंगे, तो 1 बाई 64 जेड टू दी पावर माइनस सिक्स माइनस 1 बाई 128 जेड टू दी पावर माइनस सेवन बचेगा, साइन चेंज होगा, ये आ गया 1 अपॉन 128 जेड टू दी पावर, और इधर लिख रहा हूँ 1 बाई 128 जेड टू दी पावर माइनस सेवन माइनस 1 बाई 1024 जेड टू दी पावर माइनस 10, 1 बाई 128 जेड टू दी पावर माइनस सेवन टाइम से लगाएंगे तो 1 बाई 128 1 बाई 256 जेड टू दी पावर माइनस 8 टाइम से लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस 1 बाई 256 जेड टू दी पावर माइनस 8 1024। अब की बार लगाएंगे 1 अपॉन 256 जेड टू दी पावर माइनस 8 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ही कर देते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि लंदी है, 512 जेड टू दी पावर माइनस 9 माइनस प्लस 1 बाई 512 जेड टू दी पावर माइनस 9 1024 जेड टू दी पावर माइनस 10। अब की बार लगाएंगे 1 बाई 512 जेड टू दी पावर माइनस 9 टाइम्स पे, 1 बाई 512 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई 512 रहेगा, 1 बाई 512 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1024 होगा जेड टू दी पावर माइनस 8 माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा ही कट गया। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिए, पूरा ही कर दिए, अगर पूरा नहीं भी करना चाहें तो आप समझ जाएंगे कि चूंकि 1 बाई 1024 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर 10, तो निश्चित से यह 2 के पावर में ही बढ़ता जा रहा है, तो आगे जाके 2 का पावर 10 तो कभी ना कभी आएगा ही, कब आएगा वो भी आप अंदाज लगा सकते हैं ऑर्डर वाइज। तो एक्स जेड हमारा ये आ गया, बाकी सबको मिटाते हैं हमें मतलब एक्स जेड से, ठीक है। एक्स जेड इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1 बाई 2 जेड इनवर्स प्लस 1 बाई 4 जेड टू पावर माइनस 2 1 बाई 8 जेड टू पावर माइनस 3 1 बाई 16 जेड टू पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई 32 जेड टू पावर माइनस 5। इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म राइट साइड लेंगे तो एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा डेल एन प्लस 1 बाई 2 डेल एन माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 डेल एन माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 बाई 8 डेल एन माइनस 3 प्लस 1 बाई 16 डेल एन माइनस 4 डैश 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 1 बाई 512 डेल एन माइनस 9 है ना, ठीक है, इसको ऐसा भी ले सकते हैं 1 इंटू डेल एन प्लस 1 बाई 2 टू डी पावर एन है ना, डेल एन माइनस 1, इसको भी 1 बाई 2 टू डी पावर एन डेल एन लिख सकते हैं, डेल एन ही आएगा 1 बाई 2 टू डी पावर एन डेल एन, आप जानते हैं एक्स एन इंटू डेल एन माइनस एन नॉट इक्वल टू एक्स एन नॉट
डेल एन माइनस एन नॉट होता है, मतलब डेल एन माइनस एन नॉट से मल्टीप्लाई होता है तो एक्स एन में वही वैल्यू एन नॉट पुट हो जाती है। तो एन में जीरो पुट होगा तो ये वन ही हो जाएगा, एन में वन पुट हो जाएगा तो वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू टू डी पावर एन डेल एन माइनस टू, एन में टू पुट होगा तो ये वापस आ जाएगा, वन बाई टू टू डी पावर एन डेल एन माइनस थ्री प्लस वन बाई टू टू डी पावर एन डेल एन माइनस फोर, वन बाई टू टू डी पावर एन डेल एन माइनस नाइन ए हो जाएगा। वन बाई टू टू डी पावर एन कॉमन भी ले सकते हैं, बचेगा डेल एन प्लस डेल एन माइनस वन प्लस डेल एन माइनस टू प्लस डेल एन माइनस थ्री से लेके कहां तक है, डेल एन माइनस नाइन तक। इस अंदर वाले का देखेंगे तो एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहां तक है, एन इक्वल टू नाइन तक वैल्यू वन वन वन, एन इक्वल टू जीरो पे वन, एन इक्वल टू टू पे वन, एन इक्वल टू थ्री पे वन से लेके एन इक्वल टू नाइन पे वन। इसको चाहे तो इवन के टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर है ना ऐसा सिग्नल है ना, जीरो पे वन, वन पे वन, टू पे वन, अप टू नाइन तक वन है ना। तो यूएन के बाद यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होता है ना, मतलब यूएन जो होगा वो कहां तक होगा, जीरो से लेके अप टू इन्फिनिटी तक होगा। और यूएन माइनस टेन देखेंगे तो कहां तक होगा, टेन से लेके इन्फिनिटी तक होगा, टेन से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो यूएन में से यूएन माइनस टेन को माइनस कर देंगे तो जीरो से नाइन तक बचेगा। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं वन बाई टू टू डी पावर एन इंटू यू एन माइनस टेन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ए आंसर आ गया। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। बहुत सारे लोग होशियार होंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट है? इसको दूसरे तरीके से भी इन्वर्जेट ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, बिना कोई पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह किए भी इन्वर्जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। देखा जाए क्या उस तरीके से भी इन्वर्जेट ट्रांसफॉर्म निकाल के देखें। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो लगता है थोड़ा ज्यादा ही लंबी हो गया, और इस फॉर्म में लाने चलेंगे तो बड़ा मेहनत लग जाएगा ना। यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, जो सिग्नल आया है जीरो पे वन है, वन पे वन बाई टू है, टू पे वन बाई फोर है, थ्री पे वन बाई एट है, ये भी अगर इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तब तो ये मेथड ठीक है, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये मेथड अच्छा नहीं है। देखिए आसान मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखें जरा सिग्नल सिस्टम के प्रॉब्लम बना रहे हैं तो हर प्रॉब्लम को दो तीन मेथड जितने तरीके से हो सकता है पॉसिबल सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका मजबूत होगा, ठोस होगा, ठोक बजा के कंसेप्ट आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं श्रीमान एग्जिट को, डिवाइड तो हमने किया था ना जी, 1024 डिवाइड बाई 1024 है ना, माइनस वन अपॉन 1024 जेड टू डी पावर माइनस टेन, ठीक है, ये वन हो जाएगा कट के, तो ये एक बार वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स लिख सकते हैं, वन अपॉन 1024 जेड टू डी पावर माइनस टेन अपॉन वन माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म का, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स का इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है ए टू डी पावर एन यूएन, राइट साइड के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, राइट साइड सिग्नल के लिए,
ए टू डी पावर एन यून होता है, ये होता है ना, ये होता है, ये तो याद रखते ही हैं, कोई फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, ये वाला फॉर्मूला तो याद रहता ही रहता है। हाँ, इस प्रॉब्लम में भूल गए थे कि ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, अलग बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप लोग में से जो देख रहे हैं, उनका पहले ही स्ट्राइक किया होगा कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, अलग बात है। पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, तो इसका इन्वर्स या ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा बताइए, थोड़ा 1/2 टू डी पावर एन यून, दोनों तरीके से किया ना ताकि आंसर भी मैच कर पाए, दोनों तरीके से देखिए कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो करवाया नहीं है ना, ये हमने प्रॉपर्टी नहीं करवाया, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जेड टू डी पावर माइनस एन एक्स जेड का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा एक्स एन नॉट है ना, एन नॉट लिखे तो ठीक है, एन माइनस एन नॉट है ना, लैपलास की प्रॉपर्टी से इतना पढ़े हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़े, इतना तो दिमाग आ ही गया होगा, प्रॉपर्टी लगा अप्लाई कैसे करते हैं ना, तो ऐसी कोई है ना भाला थोड़े गोप रहे हैं आपको, इतना तो चल ही सकता है। तो जेड टू डी पावर माइनस टेन है ना, यही वाला सेम ही है, जेड टू डी पावर माइनस टेन मल्टीप्लाई में है, तो जो ए है ना जी क्या है आपका 1/2 टू डी पावर एन यू एन है ना, इसमें 10 की शिफ्टिंग हो जाएगी, एन माइनस टेन जहां जहां एन है वहां एन माइनस टेन हो जाएगा ना, एक्स एन में एक्स एन माइनस एन नॉट, एक्स एन माइनस टेन हो रहा है मतलब राइट, जहां भी आपको n दिख रहा है उसको n माइनस टेन से रिप्लेस कर देना, ठीक है। आसान प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझता नहीं है। 1/2 टू डी पावर n, हमेशा मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम थोड़े करवाए, थोड़ा तो आपको रिलैक्स दे ना, 1/2 टू डी पावर 10 n माइनस टेन यू एन माइनस टेन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं ना सर, आदेश है आपका तो लिख सकते हैं, नहीं दीजिएगा आदेश तो नहीं लिख पाएंगे। 1/2 टू डी पावर 10 1/2 टू डी पावर एन माइनस टेन, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, वन बाई टू टू डी पावर एन इवन, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 10 प्लस एन माइनस टेन यूएन माइनस टेन। बारिश आती है माइनस 1/2 टू डी पावर एन यूएन माइनस टेन, अब तो कॉमन आ सकता है ना, ठीक है जगह ही ना है भैया, लास्ट लाइन के लिए क्यों तुम चला गया, ऐ यहां लिखता हूं मैं 1/2 टू डी पावर एन कॉमन ले लीजिए, बचेगा यूएन माइनस यू एन माइनस टेन, वही आया था उस तरीके से भी जो आया था उसी पे मैं ले आया ना, सेम ही ले आया, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मजा आया, आसान प्रॉब्लम बना के मजा ही आता है भाई, समस्या तो तब आती है जो प्रॉब्लम बन जाए समझ में ना आए, ठीक है कोई नहीं, यहाँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते ही हैं जो समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते, प्रयास मेरा रहता है सभी प्रॉब्लम को इस तरीके से करवाएं ताकि समझ में आए, एक टाइप के दो तीन प्रॉब्लम है तो वो भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जहाँ समस्या है कि समझ में नहीं आ रही है तो उसी टाइप के अगर दूसरे प्रॉब्लम को करवा रहे हैं तो वो वीडियो भी देख लेंगे, दो वीडियो देख लेंगे कमेंट करके तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना आए। लैपलास में भी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम बहुत सारी चीज़ें बची गई है, करवाएंगे सब करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब आ जाएगा इसी चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए बस।